दोस्तों नमस्कार। आप लोगों से बात करने वाले हैं MPS के बारे में। जो आपको पता है स्टॉक में, डेफिनेटली कल के दिन में भी बोला था, आज के दिन भी बोल रहा हूँ, स्टॉक बहुत कम लो प्राइस में देख रहा है। जो करेंट टर्म 0.75 पैसे का आसपास इसकी करंट प्राइस है। कल के दिन मैंने वीडियो बना के बोला जब 70 पैसे के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा था, ठीक है। तो आज के दिन भी स्टॉक में अपर सर्किट देखने मिल जाता है, जो करीबन आपको पता है 7.5% के आसपास स्टॉक के अंदर अपर सर्किट देखने को मिलता है। और आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, लॉन्ग टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए इसका टारगेट क्या रहने वाला है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। जो लोग चैनल से नए जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, ठीक है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है, ठीक है। तो अभी इसकी बात करें, लगभग आपको पता है स्टॉक के में 5 पैसे की तेज़ी देखने मिलता है। 0.75 पैसे का स्टॉक है जिसके अंदर 5 पैसे की तेज़ी देखने मिलता है। जो इसकी अभी मैं बता दूँ, शॉर्ट टाइम टारगेट रहने वाला है इसका नेक्स्ट 150 रुपये प्लस, ठीक है। जो एक मंथ के अंदर अंदर आपका पैसा आराम से डबल कर सकता है स्टॉक में। डेफिनेटली दोस्तों नज़रों में रखो, जो आपको पता है स्टॉक के अंदर 7.5% की तेज़ी भी देखने को मिलती है। करीबन 5 दिन की भी बात करें, स्टॉक 6-6.5% के आसपास गिरावट में देखने को मिल जाता है। तो अभी मंथली की भी बात करें दोस्तों, स्टॉक में ना के बराबर गिरावट देखने को मिलती है। और अभी नए इन्वेस्टर हैं उनके लिए तो खास तौर से बता दूँ, स्टॉक में आप लोग आंख बंद करके भी पैसा लगाते हो ना, 1 साल पैसा लगा के भूल जाओ। सीधी सी बात है, 1 साल पैसा लगा के भूल जाओ, आने वाले 1 साल के बाद आपको ये स्टॉक माला माल बना देगा। ये वो स्टॉक है जो आपको पता है ऑल टाइम 6.5% है। जैसे पुराने इन्वेस्टर हो गए, वो होल्डिंग पे चल रहे हैं, ठीक है, लॉन्ग टाइम से, तो उनका भी आपको क्या हाल है यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि उनका भी बहुत ज़्यादा लॉस देखने को मिल जाता है। तो ऐसे में आपका तो इतना बड़ा लॉस भी देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि आप लोगों से अभी उनके पीछे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में देखने को मिलते हो, ठीक है। क्योंकि उनका अभी पता है 6 मंथ पुराने हो गए, तो उनका बहुत ज़्यादा लॉस देखने को मिल जाता है। साल भर की बात करें तो स्टॉक ने आराम से पैसा 2 गुना बना के दिया, ठीक है। लोग अब इसको कौन भला बुरा बोलते हैं कि ये ऐसा है वैसा है, तो ऐसा दोस्तों देखो लोग क्या है, लोग बोलते रहेंगे, ठीक है। तो स्टॉक में यही स्टॉक होते हैं जो हाई लो प्राइस से उठ के हाई प्राइस देते हैं। अब छोटी छोटी कंपनियां होती है, ये वर्किंग में एकदम खास तौर से मतलब बता दूँ, नीचे लेवल से ऊपर की ओर ग्रोथ कराने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करती है, ठीक है। तो ये वो कंपनी है जो आपको पता है कभी माला माल बनाने वाली है। जो आपको पता है एक टाइम स्टॉक ने अच्छा भला भी रिटर्न दिया, जो करीबन 14 गुना पैसा स्टॉक ने इसने लोगों को बना के दिया, ठीक है। तो इसको मैं तो बोलता हूँ बाय करके चलो दोस्तों। बाकी देखो दोस्तों आपकी मर्जी है। अभी हम इसकी मार्केट कैप की बात कर ले, लगभग आपको पता है 260 करोड़ का मार्केट कैप है, इतना छोटा सा पेनी स्टॉक नहीं होने के बाद में। स्टॉक मतलब आपको पता है ओपन भी 0.70 पैसे पे होता है, जो प्रीवियस क्लोज था वो भी 0.70 पैसे का देखने को है, ठीक है। और लो भी देखने को मिल जाता है जो 0.70 पैसे का आसपास था, ठीक है। उसके बाद में हाई देता है 0.75 पैसे का आसपास। अब पुराने इन्वेस्टर हो गए जिनका उनका अभी अच्छा खासा लॉस चल रहा है। अब मैक्सिमम की बात करें तो लगभग अभी भी स्टॉक आपको पता है 100% में गिरावट में देखने को मिल जाता है। दोस्तों आंख बंद करके उठा लो 20-30% अमाउंट, एक बार अभी लगा लो, एक बार बाद में लगा लेना, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि आप 100% लगा के चलो, ठीक है। तो ये डेफिनेटली दोस्तों आप पे डिपेंड करता है। बाकी स्टॉक में अपनी एनालाइज ज़रूर करिए दोस्तों, क्योंकि आपको क्या लगता है इसके बारे में आप खुद जानोगे जब आपको पता चलेगा, ठीक है। तो MPS के बारे में मैंने बता दिया होगा जहाँ तक है। अब फाइनेंस रिजल्ट की भी बात करें दोस्तों, वो भी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। जो आपको पता है जून मार्च तक इसके अंदर है, जून का एड नहीं हुआ है, जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ से। तो करीबन आपको पता है 28% 29% पिछले अभी जून तक है, 26% हो गया, और लगभग आप देख लीजिए ग्रीन की ओर मोमेंटम करता भाई नज़र आ रहा है। जो जून का एंड नहीं हुआ है, अभी आने वाला है बहुत जल्दी, तो रिजल्ट आएगा जब इसका और भी अच्छा देखने को मिलता है। बाकी देखो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, जो लोग चैनल से नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना।